हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू एक और रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज जिस मूवी ट्रेलर पे मैं रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ उसका नाम है अर्थ द डेस्टिनेशन। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हमारे तमाम ख्वाब जो हम किसी के लिए छोड़ देते हैं, जिंदगी हमें एक और मौका देती है कि हम उन ख्वाबों को हासिल कर सकें। I want to come back to Pakistan, yeah. I have nowhere to go. हाँ जिगर, come home, buddy. कुछ कॉन्सर्ट्स हो जाएं, एक एल्बम बनाते हैं। एक्टर एक सिंगर है और वो कमबैक करना चाहता है, किसी वजह से वो अपना ड्रीम नहीं फुलफिल कर पाता या किसी के लिए उसने अपना ड्रीम छोड़ दिया था। हम बीवियां तो उसी दिन अपने ख्वाब छुपा लेती हैं जिस दिन हमारी शादी होती है। शादी के बाद हमारे मियां के ख्वाब हमारे ख्वाब बन जाते हैं और प्यार वाले लम्हे मुश्किल लम्हे बन जाते हैं। Yes! So, मुझे ऐसे नए डायरेक्टर के साथ राजी भी हो गए काम करने में। Got it. What is this, यार? Okay, तो यहाँ पे एक कपल है जो कि स्ट्रगलिंग लाइफ है, जिनकी करियर में भी और आई थिंक मैरिज में भी। यू नो व्हाट, इट्स ओके व्हेन आई से इट्स ओके। एक तो सिफारिश करा के गाना गाने आगे, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हैं। चले निकले यहाँ से। पार्टनर, मेरा ख्याल है अपनी गेम ओवर है। वैसे भी पुरानी चीज किसी को पसंद नहीं आती। आपकी इजाजत के बगैर मैंने फेसबुक पे आपके लिए एक पेज, आई हैव सेंट योर सॉन्ग्स टू डिफरेंट स्टूडियोस। इट रियली हेल्प्स। हेल्प्स? व्हाई डू यू वांट टू हेल्प मी? बिकॉज़ आई एम योर फैन। ओके, तो यहाँ पे जो स्टोरी जिस डायरेक्शन में जा रही है, आई वंडर कि जो मैं सोच रही हूँ वो ही है। हमारे सारे ख्वाब पूरे हो गए। You're falling in love again? Ali really likes you. Are you crazy? Tell me. You know na? ये काफी रिवीलिंग ट्रेलर है और स्टोरी तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ट्रेलर में ही बहुत हद तक आइडिया हो गया है। और इतनी कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी होगी ये नहीं सोचा था मैंने। बेचारी हूँ मायमा, तुमसे शादी का वो मजबूत रिश्ता कायम करना चाहती है जो एक दस्तखत से टूट सकता है। अपना दर्द लिखो और सारी दुनिया तुम्हारे साथ कनेक्ट हो जाएगी। Remember, you're very emotional. Emotions? I am very emotional. Very intense love story. और मैंने नहीं सोचा था कि इस एक्टर पे रोमांस सूट करेगा। स्टोरी के बारे में एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज भी दिखाई है कि पहले वो जो लड़की होती है वो उसकी मदद करती होती है, उसका फेसबुक पेज बनाती है, उसको इतने फॉलोअर्स लेके आती है, मतलब उसकी हेल्प कर रही होती है। और बाद में जब उसकी लाइफ एक मेस हो जाती है तो फिर वो सिंगर जो है वो उसकी हेल्प कर रहा होता है, वो उसको सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये मतलब दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा एक फ्रेंडली रिलेशन भी हो गया। ऑब्वियसली फिर नहीं पता कि स्टोरी कैसे टर्न आउट होती है, और लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटेंस लव स्टोरी है। और इसी तरह कोई और स्टोरी, इसी तरह कोई और मूवीज आप में से शेयर करते रहिए और उस पर मैं वीडियो रिएक्शन वीडियो बनाती रहूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।